सॉरी 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 हैंग ऑन, बुरा मत मानो यार, दरअसल बात यह है कि मेरी जिंदगी खतरे में, माई लाइफ इज इन डेंगर. डेंगर? आई मीन इन डेंजर. वो नर्वस हूं ना, इसीलिए ऐसी सी बातें कर रहा हूँ. मेरा नाम हिट लिस्ट में आ गया यार. हिट लिस्ट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट शेखर? मूवर्स एंड शेकर्स तो टोटल फ्लॉप शो है. तुम्हारा नाम फ्लॉप लिस्ट में होना चाहिए. अरे ये वो हिट लिस्ट नहीं है, ये दूसरी किस्म की लिस्ट है. ये देखो, इसमें उन सब आदमियों के नाम है जिनकी जिंदगी खतरे में है. आतंकवादी इन्हें मारकर देश में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं. देखो, नंबर 224 पे कल्लू राम हलवाई, नंबर 225 पे बिहारी नाथ यादव, नंबर 226 पे बाबूलाल मिठाई वाला, और ये देखो नंबर 2027 पे मूवर्स एंड शेखर्स होस्ट शेखर सुमन. शेखर सुमन, I must say you're a very important man, my friend. और सारी, मैं भूल गया था, ये देखो नंबर 2 पे सीताराम केसरी जी का मेकअप आर्टिस्ट. अगर आतंकवादियों ने इसे मार दिया, फिर सीताराम जी बगैर मेकअप के टीवी पे कैसे लगेंगे? Very dangerous. और देखो, नंबर 1 पर सोनिया गांधी का हिंदी टीचर. अगर आतंकवादियों ने इसे मार दिया, फिर तो सोनिया जी सिर्फ एक ही शब्द कह पाएंगी. क्या? नमस्ते. Ladies and gentlemen, tonight we have on our show the gorgeous Lara Dutta and actor-director Sachin. But before that, give a big round of applause to Shekhar and his rubber band. अडवाणी जी का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के लिए एक 4-पॉइंट प्लान लागू करने वाले. प्लान कुछ ऐसा होगा. पॉइंट नंबर 1, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दो कि कोई भी आतंकवादी ना कार का खर्चा उठा सकेगा ना ट्रेन का, और वो कोई भी डेंजरस काम नहीं कर पाएंगे. कश्मीर में फुल स्केल पे फिल्म शूटिंग शुरू करवा दो. सारे आतंकवादी हीरोइंस को बर्फ में नाचते हुए देखते रहेंगे. कुछ को तो फिल्म में एक्स्ट्रास के रोल भी मिल जाएंगे, जिससे उनके पास टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए टाइम ही नहीं रहेगा. खूब सारे इंडिया पाकिस्तान वनडे मैच और टेस्ट मैच करवाए जाएंगे. बेचारे कश्मीरी टेररिस्ट इसी सोच में फंसे रहेंगे कि इंडिया को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान. और फाइनली कश्मीर में एक रॉक कॉन्सर्ट करवाया जाए और सारे आतंकवादियों को मुफ्त टिकट दी जाए. वो टिकट के लालच में कॉन्सर्ट पे आएंगे और सबको अरेस्ट कर लिया. शारी, तुम भी शुरू हो गए हैं. शारी गाना गा रहा रिकी मार्टिन का, जो पिछले दिनों बंबई आए हुए थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि उनके गाने हिंदी में ट्रांसलेट किए जाएं. रिकी साहब, आपके कहने से पहले अनु मलिक जी काम पे लग गए. हाँ, चीटिंग से याद आया कि आजकल एक्टर राहुल रॉय एक चीटिंग केस में फंसे हुए हैं. एक जनाब ने दावा किया है कि राहुल जी ने उनसे यह कहकर पैसे लिए थे कि वो उन जनाब को लंदन में नौकरी दिलाएंगे. अरे जनाब, राहुल रॉय खुद इतने सालों से कह रहे हैं मैं हॉलीवुड जा रहा हूं. वो आज तक खुद तो हॉलीवुड पहुंच नहीं पाए, तो तुम्हें लंदन कैसे पहुंचा? लंदन से पहुंचते हैं हम टोक्यो, जहां एक 96 साल की औरत ने अपने एक 63 साल के बेटे को मार डाला. अब क्या सजा दी जाए, उम्र कैद या फांसी? शी इज प्रॉबेबली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मर्डरर. विदेश में लोग बुढ़ापे में भी कितने एक्टिव रहते हैं, नहीं? इंडिया में तो 60 साल के हुए नहीं और लोग रिटायर होने की बात शुरू कर देते हैं. और रिटायरमेंट भी कैसी? पुराने जमाने में लोग रिटायर होने के बाद कहते थे, अब तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पूजा पाठ में लग जाऊंगा. और अब लोग रिटायरमेंट के बाद कहते हैं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के केबल टीवी छोड़ने लगा. पर सोनी टीवी पर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो बूढ़े लोगों के लिए बैंड है, मसलन आहट. इसे देखकर कहीं उनके दिलों की धड़कन बंद ना हो जाए. बूगी बूगी, इसे देखकर कहीं वो डांस करने की कोशिश में हाथ पैर ना तोड़वा बैठे. चमत्कार, इसके शोर से कहीं सुनने में परेशानी ना हो जाए. एंड फाइनली मूवर्स एंड शेकर्स, कहीं हंस हंस के सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो जाए और सारे लोग दम में से ना मर जाए. पिछले दिनों बिल क्लिंटन चाइना की यात्रा पे निकले. सुना अपनी बीवी के अलावा 1000 लोगों की टीम लेकर गए. इस टीम का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है. 400 सिक्योरिटी गार्ड, 300 जर्नलिस्ट, 200 बिजनेसमैन, 20 खाना पकाने वाले, 10 हिलरी क्लिंटन के हेयर स्टाइलिस्ट, 10 मेकअप करने वाले, 10 हिलरी क्लिंटन के सीक्रेट एजेंट बिल पे नजर रखने के लिए,
20 खूबसूरत लड़कियां एज टाइपिस्ट, 20 खूबसूरत लड़कियां एज सेक्रेटरी, 10 खूबसूरत लड़कियां एज बिल क्लिंटन पर्सनल असिस्टेंट, और इन सब के अलावा बिल क्लिंटन के टीम में एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में केवल मूवर्स एंड शेकर्स को मालूम है, एक पर्सनल फिजिशियन बिल क्लिंटन को वायग्रा की गोली देने। इंसान का इंसान के लिए प्यार भले ही कम हो रहा हो पर जानवरों के लिए बहुत बढ़ता जा रहा है। जर्मनी में स्पेशली कुत्तों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला गया है, मेन्यू में स्पेशल हड्डी, मीट और दूसरे रेस्टोरेंट्स के वेटर्स की टांगे। जर्मनी के देखा देखी लखनऊ में कुत्तों के लिए एक स्पेशल क्रश खोला गया है, अपने टॉमी को क्रश पे छोड़कर बिना चिंता काम पे निकल जाए, पर एडमिशन के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे कुत्तों के नहीं उनके मालिकों। क्रेश वाले ये जानना चाहते हैं कि कुत्ता खानदानी है या सड़क। तो लखनऊ वालों, अगर आप अपने कुत्तों की एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अभी से जनरल नॉलेज की किताब पढ़ना शुरू कर दें। लखनऊ वाले तो अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहेंगे, आइए देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कैसी। शेखो भाई देखो, वक्त वक्त की बात है, तुम वहाँ स्टूडियो में और चैनू यहाँ सड़क पे, लेकिन चैनू सड़क पे भी चुप नहीं रहेगा, वो जनता से एक सवाल पूछेगा। भाई साहब ये बताइए, दिन में कितने घंटे हैं और रात को कितने घंटे हैं? दिन में 12, रात में 12, 24। और रात को कितने घंटे? रात को हमारे तो 10 घंटे होते हैं। अच्छा, यानी 34 घंटों का आपका दिन और रात होती है? 24। और रात में कितने घंटे? दिन में कितने घंटे होते? 24। और रात को कितने घंटे? What do you mean रात को? So how many hours for a day and how many hours for a night? Day is 24 hours. And night? Night is only for 6 hours. Only for 6 hours. That makes it 30 hours. No. Then? Day is only for 24 hours. फाइनली अमेरिकन कॉन्सुलेट में 13 भारतीय वीजा पाने के चक्कर में पकड़े गए जब उन्होंने झूठ बोला कि वो इंडियन हॉकी टीम है। सच्चाई तब सामने आई जब अमेरिकी ऑफिशियल्स ने उनका मैच अमेरिकन हॉकी टीम से करवाया और इंडियन टीम जीत। Our first guest in Movers and Shakers tonight is the extremely pretty, sensational looking Glamrock supermodel 1995. Ladies and gentlemen, please welcome Lara Dutta. लारा, यहाँ आने का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। आप ये बताइए कि आपका ये जो नाम है लारा दत्ता, एक बड़ा ही अनयूजुअल सा नाम है, अद्भुत नाम है, अद्भुत कॉम्बिनेशन है, ये कैसे ये कॉम्बिनेशन हुआ? मेरे पिताजी जो है पंजाबी है एंड माय मदर इज कैथलिक एंड माय डैड वांटेड टू नेम मी आफ्टर हिज रशियन गर्लफ्रेंड हु इज कॉल्ड लारा And I think my mother threw a bit of a fit, but then compromised, and it got into Lara. It changed it a bit. So, yeah. To Lara's theme. Yes. Very romantic. You hail from Bangalore, don't you? Yes. ये ऐसा कैसे है कि जितने Miss India होती हैं या super models होती हैं वो ज़्यादातर Bangalore से आती हैं? ऐसा क्यों है? Is it the water or the beer or the men? Or what? What is it? Well, I guess it has to be the beer because you need some sort of different juice running in your veins. आप हिंदी फिल्में देखती हैं? हाँ। पुरानी फिल्में आपको ज़्यादा पसंद हैं कि आज की फिल्में? Don't know, I would say because I haven't watched a lot of very old films. I usually watch what's come out now, but I like a few films, but that which are not based on the same old stories that have come, you know, that have been done. I was offered something. To do something about a young girl who was about my age and you know she gets into the glamour world and everything which I think would be easier for me to adopt to I don't know if I could do a Urmila Matondkar in Dor or something. I think you can. I think you should. No, but I mean she's a brilliant actress, but I'm just saying where I'm concerned. Achha, how did this you've been Gladrack supermodel 1995? Yes. Right? How did it happen to you? Well, I guess from the time I was very little, I never knew I wanted to be a model, but I knew I was definitely going to be something because if you notice, so. No, let me interrupt you and ask you, did modeling happen to you or you happened to modeling? Modeling happened to me, but I think I was inclined to it. But what happened was my sister sent my pictures. She saw the ad and she sent my pictures out for me. And Maureen Wadia saw my pictures and she said, whatever, I was selected. Though I came to Bombay for the first time.
And it was difficult, but I think for a 16-year-old, I was a gawky teenager. I didn't know where to put my arms or my legs or, you know, where to look. I didn't even know which side the camera faced. Mm-hmm. But I learned, and it's been great since then. Aisa kuch aapko koi qissa yaad hai jahan aap jo ek yaadgar banke reh gaye kuch? Ek hai, which is also the most embarrassing situation in my life. Aise tha ki Miss Intercontinental ke baad, they have a coronation ball. Mm-hmm. And this was on the next day, mm-hmm. things like that. And the contest was held in a place in Germany called Freiburg. Mm-hmm. And Freiburg has this, like a Euro Disney, which is a Europa park. Mm-hmm. And that's where the contest was held. Okay. And the person who owns it is a very big man and, you know, whatever. So he was very happy and he says, you have to come over in the day and, you know, you have to go around the park. And obviously, you know, he wanted to show people that this is the Intercontinental who won and things like that. Okay. So, of course, I went over and we had lunch at this really beautiful chateau mm-hmm. in the park. And then he says, you've got to try the rides. So I said, okay. Try the rides? The rides. The rides. The rides okay. and all that. Okay. So the first ride he put me on was... a roller coaster ride in the dark. All right. Okay, how was it? I don't remember much about the ride, but then I'm I sure got off black. And he says, ah, ye hamari rani hai. And, you know, I was coming down the steps and everything. And he was like, how is it? And things. And I just came out. And what their rani did was stand over his shoes and just throw up all over his shoes. So I don't know whether I was supposed to apologize or cry or run away. I don't know what I was supposed to do. Great. And finally, what turns you on? What turns me on in a relationship, is fidelity. Mm-hmm. And what turns me on in life is just a lot of energy. I believe in positive energy from objects, from people, from the atmosphere. So that's what gets me going. Great. You can count on me. Thank you. It was great talking Thanks to you. Thanks a lot. Bye. Thank you. वेलकम बैक दोस्तों हमें काफी लड़के लिखते हैं कि जब वो लड़कियों को प्रपोज करते हैं तो लड़कियों के जवाब उन्हें समझ में नहीं आते एकदम सही अनलाइक मेन औरतें सीदा हां या ना में जवाब नहीं देती यू एग्री विद दैट तो ये रहे औरतों के टॉप 5 जवाब उनके सही मतलब नंबर 5 अगर लड़की कहे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं तो उसका सही मतलब है तुम मेरे लायक नंबर 4 अगर लड़की कहे मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा तो उसका सही मतलब है मैंने तुम्हें किसी भी नजर से नहीं नंबर 3 अगर लड़की कहे अभी मेरे प्यार करने की उम्र नहीं है तो उसका सही मतलब है अगर मैं 2 बच्चों की मां एक मोटी आंटी भी होती तब भी तेरे जैसे बेवकूफ से प्यार नहीं करती नंबर 2 अगर लड़की कहे मैं शक्ल सूरत को ज्यादा अहमियत नहीं देती तो उसका सही मतलब है तुम इतने बदसूरत हो कि अगर मैं अंधी भी होती तब भी हां नहीं करती नंबर 1 अगर लड़की कहे हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं तो उसका सही मतलब है मैं किसी और लड़के से प्यार करके तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगी Ladies and gentlemen, please welcome our second guest, the extremely talented and versatile actor turned director, Sachin. Give a big Sachin. ये इस नाम के जितने भी शख्स हैं हिंदुस्तान में सभी बहुत पॉपुलर हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अभी सचिन एक्टिंग में जी और अब सचिन डायरेक्शन में अच्छा सचिन एक बहुत ही मशहूर बहुत ही चहेते सॉट आफ्टर चाइल्ड आर्टिस्ट थे वो बड़े कब हुए इस बात का आपको एहसास कब हुआ कोशिश तो अब भी जारी है बड़े होने की जी लेकिन बचपन में ही एहसास हुआ था कि मैं उम्र से बड़ा हो गया यू स्टार्टेड ऑफ विद फिल्म्स लाइक ग्रेट सोशल फिल्म्स सोशल्स लाइक गीत गाथा चल बालिका वधू और अखियों के झरोखों से अचानक एक शिफ्ट सत्ते पे सत्ता कॉमेडी अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ लेजेंड सत्ते पे सत्ता में कॉमेडी करने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मुझसे कॉमेडी कभी किसी ने करवाई नहीं थी मैं ऑफ द स्क्रीन लोगों को बहुत हंसाता था और मुझ में वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे अपने विरासत में मिला है विरासत में मेरे फादर बहुत अच्छे ह्यूमरस थे तो वो सत्ते पे सत्ता का वो डायलॉग हम सुनना चाहेंगे वो छोटे-छोटे व्हिच वाज एब्सोल्युटली नोटिसेबल टू एन एक्टर अमित जी जब हम सब बैठ के ट्रायल देख रहे थे पहली बार तो मुझे याद है कि सबसे ज्यादा अगर जोर से कोई इंसान हंसा था उस पे अच्छा तो वो थे अमिताभ बच्चन अच्छा तो वो डायलॉग यूं था कि इन्होंने तय कर लिया है कि अगर वो मुझे ना मिली
तो मैं अपने सारे शरीर के छोटे 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 टुकड़ा करके उसके कदमों में डाल दूंगा। ये जो अपने पहले सीरियल की आपने शुरुआत की तू तू मैं मैं जी, पहली सीरियल टेलीविजन, इसकी इंस्पिरेशन जो कहाँ से आपको मिली, घर से या घर के बाहर से? घर ही से मिली। घर ही से मिली। बिकॉज मेरे घर में मैं चाहता था कि कुछ ऐसी चीजें हों जिससे मैं इसके ऊपर मैं इंस्पिरेशन मुझे मिले, मैं प्रेरित हूँ। अच्छा। लेकिन दोनों का जो बर्ताव एक दूसरे के साथ बिल्कुल माँ बेटी की तरह ही रहा और मैं साइडलाइन हो गया। अच्छा। तो मुझे लगा कि भैया जो मैं कुछ सोच रहा था वो तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल उन दोनों की जो एक प्यार भरा एक जो रिलेशन है दोनों का, वो मैंने जरूर अपने घर से इंस्पायर होके रखा उसमें। जो अपने घर में नोट ऑब्जर्व किया है दूसरों दूसरों के घर पे भी ज्यादा दूसरों का दूसरों जी। अच्छा। बचपन में मैं शादीशुदा नहीं था। नहीं मैंने कहा शायद आपका चूंकि ये एक बड़ा एटीट्यूड रहा था कि मुझे बड़ों से मिलना है, बड़ों के साथ घूमना है। जी नहीं मैं उस क्योंकि बिकॉज़ योर फिल्म बालिका वधू वाज इंस्पायर्ड कि अ स्मॉल गाय गेट्स मैरिड। यस एग्जैक्टली। व्हेन आई गॉट मैरिड पीपल आल्सो सेड द सेम थिंग, स्मॉल गाय इज गेटिंग मैरिड। अच्छा, ये जो आपकी पत्नी है उनसे आपकी मुलाकात कहाँ कैसे हुई? मेरी उनसे मुलाकात हुई सुप्रिया। मेरी फिल्म मैं बना रहा था नवरी मिले नवर्याला। यू नो द मीनिंग ऑफ नवरी मिले नवर्याला? इन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, मराठी पूछ रहे हैं। नवरी मिले नवर्याला का मतलब है दुल्हन मिले दूल्हे को। अच्छा, फिल्म का नाम? फिल्म का नाम था। सीरियसली आपने टाइटल को बताइए, आप बताइए। तो जब मैंने उन्हें सिलेक्ट किया उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था फिल्म का। स्टेज उन्होंने एक स्टेज प्ले किया था मराठी में। अच्छा। लेकिन फिल्मों में वो पहली बार आ रही थी और घर वाले काफ़ी ऑब्जेक्ट किया था कि नहीं फिल्मों में काम नहीं करेगी। हमने कन्विंस किया उनको, बहरहाल वो काम करने लगी। जब शुरू हुआ काम उस वक्त जब फिल्म कुछ आधी बन चुकी थी तब मुझे लगा कि ये लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा। और ऐसे विचार आपके मन में पहले भी उत्पन्न हुए थे? नहीं, पहली दफा नहीं, ये मेरे घर पे भी देखा जाता है प्रोग्राम। अच्छा, इसलिए मैं सही कहूंगा, सही कहूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये घर पे देखा जाता है इसलिए झूठ कहूंगा। जब उनको देखा तो मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि ये दो तरफा था या एक तरफा? नहीं, एक ही तरफा था। अच्छा, मेरी तरफ से। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनसे पूछूं कि शादी के बारे में आपका क्या विचार है। तब मैंने सोचा कि नहीं, फिल्म जरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर बीच में पूछा और कहीं मार वार दिया चली गई तो फिल्म जो है वो आधी रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि फिल्म कंप्लीट होने मैं इंतज़ार किया। तो मैं काफ़ी पेशेंट आदमी हूँ। तो फिल्म जब कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब के बदले उनका सवाल था, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? ऐसी अफवाह है कि आप एक अच्छे एक्टर और अच्छे निर्देशक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। ये मुस्कुराहट कह रही है कि आप नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, हूँ सिंगर हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हूँ तो मतलब फिर अच्छे ही होंगे। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए मेरी बात, तो मैं माइक मंगवा लेता हूँ। अच्छा, ये भी है? ये भी है, तैयारियाँ सब हैं। तो गाना पड़ेगा? पड़ेगा जी। मैं कोई इसमें तू तू मैं मैं के चांस नहीं है। ठीक है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.